विदिशा जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जावती गांव में नाबालिग बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसमें नाबालिग बालिका को गंभीर हालात में गुना शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से इलाज के बाद अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। बालिका के शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, जहाँ पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी। वहीं नाबालिग बालिका के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना के बाद नाबालिग की माँ का रो रो कर बुरा हाल है, वह बार बार बेहोश हो जाती है। बता दें कि गुना जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए लाई गई नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां उसके परिजन भी मौजूद रहे। इस घटना के बाद नाबालिग की मां का रो रो कर बुरा हाल है, वो बार बार बेहोश हो जाती है। वहीं उसके परिजन भी सदमे में है। नाबालिग के परिजनों ने बताया कि वह आनंदपुर थाना क्षेत्र के जावती गाँव की है, जहाँ उनकी नाबालिग रिश्तेदार की अचानक तबियत बिगड़ जाने से उसे गुना शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद उसके शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। वहीं पुलिस ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज करने के साथ जाँच में लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवंत। क्या घटना हुई है ये? थोड़ा ऐसा खा लिया उसने। क्या नाम था इनका? रूवी। अस्पताल लाए थे जब, क्या हुआ था? कुछ नहीं, लाख भर्ती करते ही हमने अस्पताल। फिर क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगा था, सब करता थे, मतलब जाना ही हुआ हमें बालाजी में, और ऑक्सीजन लगा ला वो एक घंटा बाद। कहाँ के रहने वाले थे? जावती के।